इंडिया टीवी आपकी आवाज। मन में विचार आया कि मैं कश्मीर फाइल की शूटिंग कर रहा था, मेरे निजी जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। 25 साल बाद कश्मीर फाइल्स बन रही थी और ऐसी बहुत सारी कहानियां सामने आई जिसमें टेररिज्म का शिकार हुए कश्मीरी हिंदुओं को मार दिया गया था, महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ, माताओं के साथ अशोभनीय कार्य हुए थे। मैंने सोचा था कि उस दिन मुझे इस पूजा के बारे में पता लगा माननीय उपाध्याय जी, चंद्रमौली उपाध्याय जी की वजह से। उन्होंने मुझे संतोष जी से मिलवाया और उन्होंने कहा कि ये जो आज पूजा होती है इसमें सब लोगों को उनके मोक्ष के लिए ये पूजा होती है, ये श्राद्ध होता है, ये पूजा होती है, तो मैं आज इसलिए आया हूँ। उन तमाम न केवल कश्मीरी हिंदुओं की वजह से बल्कि दुनिया में जो भी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, जिनको बिना किसी मात के मार दिया गया है टेररिज्म में, उन सब की आत्मा को शांति पहुंचे, इसलिए मैं यहां पूजा के लिए आया हूं। मैं आपका और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। विस्थापन की मांग कर रहे हैं वहां से कश्मीरी पंडित जो कर्मचारी हैं, उससे क्या कहेंगे आप? जी करना चाहिए, ऐसी क्या बात है, मगर उसके लिए आप सबका साथ चाहिए, मीडिया का साथ चाहिए और सारे देश के, भारतवर्ष के सभी नागरिकों का साथ चाहिए, क्योंकि 32 साल तक ना मीडिया ने, ना पॉलिटिशियंस ने, ना देश की जनता ने उनका साथ दिया। तो अगर क्योंकि आप लोगों ने 32 साल तक या किसी भी लोगों ने साथ नहीं दिया, अब आपका भी फर्ज बनता है और पॉलिटिशियंस का भी फर्ज बनता है, नागरिकों का भी फर्ज बनता है कि उनको वापस वहां पर सेटल करने की। ये किसी एक खास किस्म की टारगेट किलिंग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लोगों को छोड़ के फिर से वहां से जाना पड़ रहा है, तो आप उजागर करिए इसको, इस बात को उजागर करिए। आप अपने सोशल मीडिया पे जाइए और उनको रोकिए या उन लोगों के बारे में एटलीस्ट आतंकवाद के खिलाफ तो बोलिए। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग आतंकवादियों को अभी भी साफ चिट दे रहे हैं, मगर ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों का ही किस्सा नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे मुसलमान भी मारे जा रहे हैं जो हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं। घाटी से पलायन की मांग कर रहे हैं कर्मचारी, घाटी से पलायन की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको यहाँ। देखिए ये आज का दिन जो है, देखिए इसमें मैं जानता हूँ कि मीडिया को ऐसी कोई बाइट चाहिए जिसमें जो वो चला सकें, मगर आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं दिवंगत लोगों की आत्माओं के लिए उनकी आत्मा की शांता करूं। जी कश्मीर के हालात कैसे हैं इस समय? कश्मीर के हालात कश्मीरी पंडितों के लिए तो अच्छे नहीं है, अभी भी जो 32 साल नहीं थे या 32 साल से पहले भी नहीं थे उनको अभी भी पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है। मगर इसके साथ ये भी एक सच्चाई है कि 8 लाख लोग इस समय पर्यटन के लिए वहां गए हुए हैं, पर वो अलग बात है और ये अलग बात है। मैं दरख्वास्त करूंगा सब लोगों से कि जितने भी वहाँ पर लोग हैं जो निर्दोष किस्म के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, वैसा ना हो, पर ये हमको लड़ना पड़ेगा। ये एक दूसरे पर लांछन लगाकर, एक दूसरे से सवाल पूछकर कि आपने इसके बारे में क्या किया, इसका कैसा क्या हुआ, तो ये त्रासदी 32 साल बाद दुनिया के पास पहुँची है। एटलीस्ट आप अब कश्मीरी पंडितों के बारे में सवाल तो कर रहे हैं, 32 साल तक तो आपने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, मैं अकेला ही लड़ रहा था बाकी कुछ लोगों से मिलकर। ये आप बताइए ना, आप पत्रकार हैं, नहीं आप तो दुनिया की खबर रखते हैं, हाँ तो बस आप ही खबरें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।